प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सब सोशियोलॉजीज उप समाजशास्त्र के विषय, उसके अंतर्गत जो प्रथम इकाई है उसका पहला टॉपिक है सोशियोलॉजी ऑफ अर्बन सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हम लोग इन्विटेशन टू अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और हम लोग अर्बन सोशियोलॉजी या नगरीय समाजशास्त्र के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग समाजशास्त्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से विभिन्न विज्ञानों की, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की शाखाओं के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक उसी प्रकार से जब समाजशास्त्र की शाखाएं विकसित होती गई, उन्हीं शाखाओं में से आगे जाकर एक और शाखा निकली जिसको अर्बन सोशियोलॉजी या नगरीय समाजशास्त्र कहा गया। तो ये पाठ का जो सेकंड पेपर है जिसका की नाम है इंट्रोडक्शन टू सब सोशियोलॉजी, उसके अंतर्गत हम अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में या अर्बन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया कि नगरीय समाजशास्त्र को समझने से पहले हमको समाजशास्त्र के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। इसलिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में हम चूंकि प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर यहाँ पर दोहराया जाना जरूरी है, क्योंकि बिना समाजशास्त्र की उत्पत्ति के इतिहास हम लोग समझ सकें हम लोग नगरीय समाजशास्त्र को नहीं समझ सकेंगे। तो मैं संक्षेप में एक बार आपको समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहूँगा। ये पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के बारे में वहाँ पर बात कर रहे थे। वहाँ पर आपको यह बताने का प्रयास किया गया था कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, समाजशास्त्र के जनक कौन है, क्यों समाजशास्त्र की उत्पत्ति की आवश्यकता हुई, और समाजशास्त्र की उत्पत्ति से पूर्व वे कौन से विषय थे जो समाज का और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको प्रथम वर्ष में बताया गया था, समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की उत्पत्ति 1838 में हुई और उत्कृष्ट रूप में समाजशास्त्र की समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और 1838 से पहले समाज की क्या स्थिति थी, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते थे, इसके बारे में हम आपको एक बार संक्षेप में पुनः दोहराना चाहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का, या जो कुछ भी समाज में विद्यमान है उन सब का अध्ययन करने वाले विषय को हम लोग सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति 1838 में होती और अगस्त कॉन्फ्रेंस की उत्पत्ति। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या 1838 से पहले समाज नहीं थे, सामाजिक संबंध नहीं थे, सामाजिक घटनाएं घटित नहीं होती थी, या समाज में विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं थी क्या उनका वजूद ऐसा नहीं है। 1838 से पहले समाज भी थे, सामाजिक घटनाएं भी घटित होती थी, सामाजिक संबंध भी थे, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्थाएं भी थी, प्रारंभिक होती थी संस्थाएं। लेकिन 1838 से पहले जो समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संस्थाओं का जो विषय अध्ययन करते थे उन विषयों को हम लोग सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के नाम से नहीं जानते थे। फिर कौन उनका अध्ययन कर रहा था, और जब उनका अध्ययन किया जा रहा था तो फिर क्यों समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि 1838 से पहले भी समाज थे, सामाजिक संस्थाएं थी, सामाजिक संबंध थे, सामाजिक घटनाएं घटित होती थी, सब कुछ था। लेकिन वो ना सिर्फ था बल्कि उन सबका अध्ययन भी किया जाता था, और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत उन सब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था।
फिर दोहराते हैं, सब कुछ था और उन सब का अध्ययन भी किया जा रहा था, लेकिन जो विषय उसका अध्ययन करते थे उस विषय को समाज नहीं कहा। वहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि समाजशास्त्र जब हम लोग परिभाषा दे रहे थे तब कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है, समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जिसके अंतर्गत समाज का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का या जो कुछ भी समाज में विद्यमान है उन सबका अध्ययन किया जाता है, वह विषय समाजशास्त्र है। ना सिर्फ सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है बल्कि उन सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, उस विषय को समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है। और एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि यह कोई पौधा है, ये सामाजिक विज्ञानों का एक पौधा है। क्या परिभाषा दी थी अपनी वहां पर कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, ना सिर्फ अध्ययन करता है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उस विषय को समाजशास्त्र कहते हैं। मान लीजिए कि यह सामाजिक विज्ञानों का एक पौधा है, इन सामाजिक विज्ञानों की अनेक शाखाएं, अनेक शाखा में राजनीति विज्ञान एक शाखा है, अर्थशास्त्र एक शाखा है, इतिहास एक शाखा है, इसी प्रकार से अन्य जो विषय है वे विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो वे सामाजिक विज्ञान की शाखाओं के रूप में वे फैलते जा रहे हैं। उसी क्रम में हमें कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है, सामाजिक विज्ञानों का एक पौधा है जिसे अनेक शाखाएं, उन अनेक शाखाओं में से समाजशास्त्र एक शाखा है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उस विषय को हमने समाजशास्त्र का और उस विषय को ठीक है। फिर वही प्रश्न हम आपको दोहराना चाहेंगे कि जब 1838 से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, फिर 1838 से पहले सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन कौन करता था, तो उसके जवाब में अब हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं का, विभिन्न सामाजिक संबंधों का, ये जो समाज में जो कुछ भी विद्यमान है उन सबका अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता रहा है। ठीक है, फिर जब इन सबका अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता रहा है तो फिर सामाजिक समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके जवाब में ओगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन विभिन्न सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक घटनाओं को देखने का अपना एक नजरिया है, अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, प्रत्येक विषय का किसी घटना को देखने का अपना एक नजरिया होता है, अपना एक ढंग होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक परिप्रेक्ष्य होता है। तो ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे तो वे सब अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं को देख रहे थे, अपने अपने दृष्टिकोण से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑगस्ट कॉम्टे को यह आपत्ति थी कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का या कोई भी विषय हो वो विषय किसी घटना को अपने दृष्टिकोण से देखता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि राजनीति विज्ञान का किसी घटना को देखने का एक राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, एक अर्थशास्त्री जब किसी घटना को देखता है तो उसका आर्थिक दृष्टिकोण होता है, एक इतिहास का विद्वान या इतिहास का विद्यार्थी किसी घटना को देखता है तो उसका एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है। ऑगस्ट कॉम्टे को एक मात्र आपत्ति थी तो वह कि ये विभिन्न सामाजिक, ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान है ये सामाजिक घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते, अपने अपने नजरिए से देखते, अपने अपने परिप्रेक्ष्य से देखते। ठीक है, और सामाजिक घटनाओं को कोई राजनीति विज्ञान राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी अर्थशास्त्र का विज्ञान आर्थिक दृष्टिकोण से देखे, इतिहास का विद्वान इतिहास दृष्टिकोण से देखे, तो सामाजिक घटनाओं को देखने का यह एक जो दृष्टिकोण है, यह जो परिप्रेक्ष्य है, यह सही नहीं है। ऑगस्ट कॉम्टे को एकमात्र यह बात, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा विषय हो जो सामाजिक घटनाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से देखे, सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखे, सामाजिक घटना के पीछे जो छुपे हुए कारण है उन छुपे हुए कारणों को समाज में देखने की कोशिश करें, ना कि राजनीति में, ना कि अर्थशास्त्र में, ना कि इतिहास में देखने की कोशिश करें। क्योंकि समाज में जो भी घटना घटित होती है, कॉम्टे का मानना है कि समाज में जो भी घटना घटित होती है वो
उसके पीछे कोई ना कोई सामाजिक कारण ही छुपे हुए होते हैं। और ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान अपने अपने परिप्रेक्ष्य से जो सामाजिक घटनाओं को देख रहे हैं, तो वे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, जो कि सामाजिक घटनाओं को देखने का सही तरीका नहीं है, सही परिप्रेक्ष्य। ये इस आपत्ति को लेकर अगस्त को ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है, वह शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उसको अगर हम कहें समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी कहा। ये तो बात भी समाजशास्त्र की, ठीक है। वहां पर बात लंबी समय समझते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक निष्कर्ष उभर कर आया था कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवीय परिप्रेक्ष्य हमने वहां पर देखा था, तब यह निष्कर्ष उभर कर आया था कि समाजशास्त्र ठीक है कि उस प्रकार का विज्ञान तो नहीं है जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र उस प्रकार का विज्ञान तो नहीं है जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, लेकिन समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। और वो सामाजिक विज्ञान इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है, क्रमबद्ध दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है, पूर्वाग्रह रहित होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, पक्षपात रहित होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। इसलिए समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक प्रकृति है। हाँ, उस प्रकार का विज्ञान नहीं है जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि यह एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है। ये बात हमने फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्वेश्चन को रखते हुए आपको समझने की कोशिश की। तो ये तो समाजशास्त्र की प्रकृति की बात हुई, और समाजशास्त्र की प्रकृति क्यों हुई, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण में इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। तो जब हम लोग नगरीय समाजशास्त्र की बात करते हैं, अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो हम लोग नगरीय समाजशास्त्र या अर्बन सोशियोलॉजी को भी उसी दृष्टिकोण से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, उसी दृष्टिकोण से उसका अर्थ बताने की कोशिश करेंगे, उसी दृष्टिकोण से उसकी प्रकृति, उसके विषय क्षेत्र और उसके रिलेवेंस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अर्बन सोशियोलॉजी या नगरीय समाजशास्त्र को समझने से पहले आपको समाजशास्त्र की प्रारंभिक जानकारी होना जरूरी थी, जिसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो हम लोग नगरीय समाजशास्त्र को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। फिर बता दें कि नगरीय समाजशास्त्र को समझने से पहले हमको समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा के रूप में समाजशास्त्र उभर कर आया है, ठीक उसी प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में उभर कर आया है। इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।